हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द करण क्रिएशन पे। जी हां दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूं मुंबई की दो खास जगहों पर जो कि काफी फेमस है। जी हां दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों को लेके जाने वाला हूं सीएसटी रेलवे स्टेशन, जो कि पहले विक्टोरिया टर्मिनस नाम से फेमस था, और उसके बाद मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा मरीन लाइंस पे। जी हां दोस्तों, और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरा इस वीडियो के माध्यम से कोई ब्लॉगिंग करने का उद्देश्य नहीं है। मैं तो केवल अपने दोस्तों के साथ टूर पे आया था, तो मैंने सोचा कि अपने टूर का वीडियो बना दूं, ना कि मेरा कोई मेरा मन है कि मैं YouTube पर ब्लॉगिंग करूं। ये तो बस मेरा मन रहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ मुंबई घूमने जाता हूं या कहीं पर भी घूमने जाता हूं, तो वहां के बारे में, वहां का फीडबैक मैं सोचता हूं आप लोगों को पूरी जानकारी दे दूं कि यहां मैं कैसे आया और यहां आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूं, ताकि आप अगर आना चाहें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस मेरा यही एक मोटो होता है इस वीडियो को बनाने का। और अगर कंपेयर करूं मैं और ब्लॉगर से, तो मैं उनके लेवल का नहीं हूं, तो मुझे ब्लॉगिंग नहीं करनी है यूट्यूब पे, बस मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूं कि आपको इससे थोड़ी अवेयरनेस मिले। जी हां दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हैं मैं सीएसटी रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने खड़ा हूं, और हमारे पीछे है सीएसटी रेलवे स्टेशन, जिसका पूरा नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि इंडिया का इकलौता सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा भीड़ वाला स्टेशन है। जी हाँ, अभी मैं इसके जस्ट बाहर खड़ा हूँ अंदर रोड, और आप देख सकते हैं ये जो स्टेशन है, हालांकि इसका पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनस, और इसको जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था तब बनाया गया था। काफ़ी मेहनत से इसको बनाया गया है, और आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी पत्थरों की नक्काशी की गई है। ये सीएसटी रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा है, और पूरा का पूरा मुख्यालय, मुंबई का जो मेन ऑफिस है रेलवे का, वो यहाँ पर ही स्थित है। जी हाँ, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ बाहर, और इसके बाद मैं आप लोगों को लेके चलूँगा मरीन लाइंस पे, और वो भी ज़्यादा इधर उधर करके नहीं लेके जाऊँगा, मैं आपको एक रास्ता बताऊँगा, यहाँ से आप पैदल चल करके मरीन लाइंस भी जा सकते हैं, जो कि लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं सीएसटी रेलवे सिस्टम से सटा हुआ मरीन लाइंस है, लेकिन लोगों को काफ़ी फर्क लगता है, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा चर्च गेट स्टेशन, उसके जस्ट बाजू से रास्ता है मरीन लाइंस यानी कि मरीन ड्राइव के लिए। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है ये, और कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है। रात को जब लाइटिंग होती है तो स्टेशन काफ़ी और अच्छा लगता है। और अभी आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ पैदल मरीन लाइंस की तरफ। पीछे का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं बीच के बिल्कुल किनारे खड़ा हूँ, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग भारी मात्रा में हमेशा आते हैं यहाँ पे अपने पल को बांटने के लिए, इन्जॉय करने के लिए, खुशियों के लिए, और अपने दुख को भी इन्जॉय यहाँ लोग कर लेते हैं, ऐसा माना जाता है। और आप देख सकते हैं ये जस्ट इसके बगल में बहुत बड़ा हाईवे है, और पीछे का नज़ारा आपको मैं दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं आप कितना अच्छा है, और समुद्र की लहरें लगातार कुछ ना कुछ हमें सिखाती रहती हैं। बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर भी आया हूँ तो एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँ। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे मैं अगर कहीं भी घूमने जाता हूँ तो आपके लिए यूट्यूब ब्लॉगिंग लेके आऊँगा। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है, और कपल्स के लिए काफ़ी फ्रेंडली माना जाता है यहाँ पे। आप सामने देख सकते थे, ये वानखेड़े स्टेडियम इसके बगल में ही है, तो कपल्स के लिए काफ़ी अफोर्डेबल माना जाता है ये। ढेर सारे कपल्स यहाँ आते रहते हैं, और विदेशी भी, फॉरेनर भी हमेशा समुद्र के किनारे आते हैं अपने काम को करने के लिए या इन्जॉय करने के लिए, तो काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ आने के लिए आप दादर स्टेशन से वेस्टर्न लाइन आके चर्च गेट आना पड़ेगा, या मरीन लाइन्स आना पड़ेगा, या चरनी रोड आना पड़ेगा, वहाँ से भी आ सकते हैं। तीन स्टेशन इसकी जस्ट बाजू में है, मतलब लगभग ये तीन स्टेशन के बीच में पड़ता है, तो आप कहीं से भी आ सकते हो यहाँ पे। और समुद्र की लहरें आप देख सकते हो, क्या कुछ नहीं सिखाती हमको कि जीवन में किस प्रकार आगे जाना है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ आने के लिए आपको पास सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे आने चाहते हैं, अगर आप सेंट्रल लाइन पे रहते हैं तो आप सीएसटी रेलवे स्टेशन जाइए, वहाँ से ठीक पैदल आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, FS मार्केट आएगा, फैशन स्ट्रीट, वहाँ से आप पैदल जा सकते हो मरीन लाइंस के लिए, अर्थात चर्च गेट के लिए। तो अभी मैं मरीन ड्राइव पे हूँ, और देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से भी, और ये अक्सर मुझे जहाँ तक पता है आप 24 घंटे यहाँ पे पब्लिक आती रहती है,
तो अभी बस मैं घूम चुका हूँ और मेरे साथ कुछ भाई लोग भी थे, उन्होंने भी काफ़ी इन्जॉय किया और उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे आया था उनके साथ में टूर अप करने के लिए। और बस धीरे धीरे ये ब्लॉगिंग समाप्त होता हुआ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो पहले तो लाइक कर दीजिए, फिर शेयर कीजिए, फिर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचा दीजिए, दबा के शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसी मेमोरीज़ हैं जो आपने मरीन लाइंस पे की हैं या बिताई हैं, या सिस्टी रेलवे स्टेशन से जुड़ी कोई बातें हैं, या कोई सुझाव अगर आप हमें देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पे हो आप ये भी बता सकते हो, और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है ये भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो।